मंडी के अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाला भैया पवन भैया है मैदान में। मंडी 1900 रुपया। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है आलू मंडी ठटिया में शंकर ट्रेडिंग कंपनी पे। तो भैया आलू की बिक्री चल रही है और लाटों की अगर दिखाएं तो लाटों की देखिए लाइन लगी है पूरी चारों तरफ। और कुलदीप भैया मैदान में है। कुलदीप भैया मास्टर साहब के बीच प्रधान जी के बीच चर्चा चल रही है। बताओ भैया 331 के काटम है आलू बढ़िया है। हाँ वहाँ तो सोच रहा है की को नंबर आवे पहले। हाँ बताओ मांगो बोलो कितना कोई बोलो सही बताई दो। कुलदीप भैया एक नाम बोलो सही बात जोर से बोलो। हाँ बोलो इनसे ऊपर वाली बाल हम बनेंगे। कितना वाली बाल हम बनेंगे कितना रुपए मरमा दिए बोलो। हाँ एक सौ पंद्रह ना हुआ। हाँ चल रही बात चारों लाटन चल रही है। इन्हें देव इन्हें वर्मा जी का ले भैया बोली लगाए जा बोली क्या बोल भैया। हाँ सही बोलो बताओ। हाँ सही मांगो बोरा कटाई में हाँ अच्छा हो सवा 300-325 रुपए का अगर दोनों लाए। हाँ चार बातें ना कुलदीप भैया। हाँ कहा ये आरतिया है क्या भैया। देखा भैया ये मंडी के अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाला भैया पवन भैया है मैदान में। ये देखिए कितना मंडी का अध्यक्ष है। मंडी का अध्यक्ष है। हाँ हाँ किसानों का मूड काट रहे हैं अध्यक्ष। हाँ ये किसानों का मूड काटना चाहते हैं ये देख लिया। हाँ मंडी ये ऐसे भाव मांग मंगवा रहे किसानों के आलू को किसान सारे मूड करवा रहे हैं अध्यक्ष। ना है ये चार छह मंडी वाली और मंडी वाल भी चल नहीं। हाँ देखो देंगे पक्की बात। नोट कर ले नोट कर ले। आरती को बाजार बाहर की सब पता है और उन्हें को मालूम है रेट क्या रहेगा आलू पीछे। लेकिन पवन भैया देखो एक बात बताए थोड़ा मांगा जा रहा है व्यापारी को नहीं मद्दा तेज नहीं मांग रहे। अभी हम बताए आरती भी लड़ रहा है व्यापारी भी लड़ रहा है। अभी कांटे में नहीं मामला ये बात मांग कांटे पे नहीं वो भी हम भी दे रहे हैं। हम तो बढ़ा रहे हैं उसको बड़े गाड़ी धक्का लगा रहे उसको गाड़ी आगे। हाँ सही बात है बढ़नी चाहिए मगर क्या अशोक जाने इस बात को पक्की बात कर रहे हैं गाड़ी धक्का लगाइए तो स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल रुका था कुलदीप भैया कहाँ जा बोलो बोलो मांगी कहाँ रहे। हाँ पक्की बात। हाँ पक्की मांगो एकदम। कुलदीप भैया एक दाम बताओ पक्की बात 40 रुपया का आलू किसान से पूछ लो। हाँ ना सबरी लाटा है क्या कुलदीप भैया एक दो सब दो तबरमा जी अगर मद्दी हुई तो तुमने लियो महंगी ली मद्दी नहीं लेंगे महंगा लेंगे महंगा क्यों लेंगे आलू महंगा। एक दाम बताओ प्रधान जी वो ज्यादा लंबी चौड़ी बैठ ना करो का भाव है बोलो आप बोलो। 1 रुपया लिखो 400 रुपया। हाँ और का 401 रुपया नहीं बिके। हाँ पर लगाए बिके कल की बात है कल मिश्रा जी थे। हाँ मिश्रा जी थे कल। हाँ आज हम भी कह रहे हैं आपसे कल मिश्रा जी थे देखो। हाँ मिश्रा जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं पंडित जी हैं। हाँ हम कुर्मी हैं। हाँ हम भैया जमीन वाले लेके तो मत दे। हम भैया जमीन वाले किसानों को पैसा सुरक्षित रहे और इनका भी पैसा सुरक्षित रहे। प्रधान जी एक बात होता है मामला थोड़ा लाभ हो बराबर तुम लाभ हो थोड़ा नीचे उतरो मांगो तो पहले अरे तुम थोड़े पहले चलिए नीचे उतराओ टूटी गई सिंदूरी आलू है और सिंदूरी आलू की बिक्री अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो मीडियम साइज का है। और ये देखो भैया आलू भी देख लीजिए अगर बात की जाए तो भैया काटा का मामला थोड़ा सिस्टम वाला है व्यापारी भैया देखो छाट। हाँ भाव बोलो
भाव बोलो, तुम्हें बताओ। 411 तंदूरी है। हाँ भरना नहीं है यार, भर रहा आलू है। 300 रुपए मांग दो। आप तो बताओ कितने लिखी हो, कितने लिखी हो प्रधान जी? 11 रुपए। तंदूरी आलू है। अलग है आलू यार। हाँ वो आलू अलग है। तंदूरी है बोला प्रधान जी, सही भाव बताओ तुम। सामने आओ, तुम्हारी मामला बनी है। हाँ दोनों लोग तीर तीर आओ महिलाओं में। चचा हाँ सही रेट मांगो नेताजी। हाँ तो मांग ही उधर जाओ। हाँ बोलो बताओ। हाँ मंडी की होगी तुम चलो भाई यार। हाँ मंडी की होगी जी। हाँ बजा रहे नहीं गलत मांग रहे। अरे कितने लिखी हो? रंग नहीं है। पवन का कह रहे क्या पवन भैया? 8 बजे बची हो। हाँ क्या बोले? क्या पवन भैया कितने बजे कोल्ड भैया? 1900 रुपया। कोल्ड में आईलैंड 1000 रुपया। तो 1000 रुपए भैया कोल्ड बिकेगा। पवन भैया कहना है कि आईलैंड आलू। और ये देखो भैया सिंदूरी आलू की बिक्री फिलहाल के तौर पे अब नहीं हो पाई। मामला रुक गई है। कृपया रुक गई है। और रुकने का कारण अगर देखा जाए तो भैया गर्मी है और व्यापारियों में ठंडी है। अब मामला आया आड़तियों में। प्रधान जी कितने तक मैं मांग दो कुलदीप भैया? 25 मांग दी है। अरे 25 नहीं रुपए यार, चलिए 30। 71 किसान तो पूछी ले डराओ। 51 रुपए में डराओ। चलो कुल मिला के एक आलू की लाड भैया बड़ा तेल लगा के आज की तारीख बिक्री हो रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए मंडी के अंदर। के वर्मा जी आज तेल लगा के लग रहा है। व्यापारी अच्छा ये अपने इधर अगर बात की जाए सफेद आलू अपने ये कितने रुपए बिका? ये वाला 321 रुपए। तो 321 रुपए सफेद आलू बिका। मंडी देखी जाए तो भैया स्थिति जो है आज की तारीख में कहीं ना कहीं तेल लगाने वाली है बाकायदा। और आलू की बिक्री अगर देखी जाए तो बिक्री बहुत धीरे धीरे तरीके चल रही है। और एक लाड की अभी बिक्री हुई है और फिलहाल में सफेद आलू जो भी है मंडी में वो लगभग में बिक गया। तो ये अपडेट हटिया आलू मंडी का था। आज का वीडियो पसंद आया हो तो किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा।